हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे ग्रेडिंग कॉर्पस, GRATING, ग्रेडिंग कॉर्पस। पाल्पेशन, शुड बी डन विथ फिंगर टिप्स। अपन पल्स को फिंगर टिप्स से चेक करते हैं। इसमें अब ग्रेड 0, इसमें आती है नो पल्स, मतलब 0 ग्रेड होती है तो इसमें पल्स नहीं पाई जाती है, जैसे डेथ वाले पेशेंट में। अब ग्रेड 1+, इसमें वीक, वायरी और थ्रेडी पल्स, ये डिहाइड्रेशन वाले में पाई जाती है। अब 2+, 2+ ग्रेड में पल्स नॉर्मल पाई जाती है। अब 3+, पल्स स्लाइटली इंक्रीज होती है। अब 4+, इसमें पल्स बाउंडिंग पाई जाती है, जैसे हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है तब। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। ग्रेडिंग ऑफ पल्स, पल्स को पाल्पेशन करते हैं अपन फिंगर टिप्स के द्वारा। अब इसमें ग्रेड 0 ग्रेड होती है तब इसमें पल्स एब्सेंट होती है, जैसे डेथ वाले पेशेंट में। 1+ ग्रेड होती है तो उसमें वीक, वायरी और थ्रेडी पल्स पाई जाती है, जैसे डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में। इसमें 2+, 2+ इसमें नॉर्मल पल्स होती है ये। 3+ ग्रेड, इसमें पल्स स्लाइटली इंक्रीज होती है, मतलब नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। 4+ वाले में जैसे पल्स बाउंडिंग पाई जाती है। थैंक यू।